हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपके लिए कैसा सोचते हैं और वो आगे आपके लिए क्या करने वाले हैं। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो। आप लोगों को जितने मैसेजेस लगते हैं कि मुझे ये लेने चाहिए, मुझे इससे गाइडेंस मिल रही है, आप सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें, बाकी को जाने दें। तो स्टार्ट करते हैं हम, कर्क राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग अभी कैसी है। कर्क राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स कैसी है? आपकी करंट फीलिंग्स अभी कैसी है? कर्क राशि, आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपको लेकर यहाँ पे सारी एनर्जी है, सिर्फ एक स्वॉर्ड एनर्जी नहीं है। बाकी अगर मैं आपके पार्टनर के साइन बताऊँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, ये सारे साइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से कोई भी साइन आपके पार्टनर का हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं ना कि आप, हो सकता है कोई ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से, या फिर किसी ने जाकर और आपके पार्टनर के खिलाफ आपको कुछ कह दिया है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बात आपको पता चली है, उनकी कोई ऐसा सच आपको पता चला है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे यह नज़र आ रहा है कि वो आपको, वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे मनाऊं। वो बहुत इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया है, सडनली ये क्या हो गया उसको। वो बहुत लविंग है, केयरिंग है, और मे बी आपके पार्टनर और आपकी एज डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ही ज़्यादा एज डिफरेंस लग रही है। आप थोड़ा सा इमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं। आप, हो सकता है कि कोई छोटी सी बात है जिसको आपने बहुत बड़ा मान लिया है और आप उस बात को लेकर बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर आपको अपना एक अचीवमेंट मानते हैं और वो आपको, आप मना के ही रहेंगे। वो समझ, वो सोच रहे हैं बस कि किस तरह मैं ऐसा क्या बोलूं कि वो मान जाए, बस उनके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा परेशान है। दो, हो सकता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो उनके सामने कि वो अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को लेकर भी परेशान हो और आपको लेकर भी परेशान हो, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आपने ऐसा सोच लिया है कि भाई अभी कितने भी मैसेज करने कर लो, मैं नहीं मानने वाला या मैं नहीं मानने वाली। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है वो इसको ठीक नहीं कर पा रहा है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं आप। बहुत एटीट्यूड लेकर बैठ गए हैं अभी कि मुझे तो बस, मेरे बात दिमाग में जो बात सेट हो गई है वो ही सही है, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, वो आपको अभी तक, वो मुझे, मेरे ख्याल से बहुत बार समझा चुके हैं और आगे भी वो फिर से कोशिश कर रहे हैं कि बस अब मैं ये तो, ये लास्ट बार समझाऊंगा और उसको समझ में आएगा, वो मान ही जाने वाले हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके, उनकी मॉम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो मे बी वो उनसे कुछ प्रॉपर गाइडेंस ले आपको लेकर, या वो या फिर उनकी मॉम आपको समझाने की कोशिश करें कि क्या हुआ है, कि ये क्यों चल रहा है। तो ऐसी कोई सिचुएशन भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर कर्क राशि अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे। डोर टू वैल्यू, समझ में आ गया भाई, ये पर्सन तो मेरी लाइफ में ही रहना चाहिए। 444 यहाँ पर है, एंजल का साइन मिल रहा है कि भाई स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी है इस पर्सन के साथ आपकी, ऐसा लग रहा है ये रिश्ता रहने वाला है, टिके रहने वाला है। अगर आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर है। और करंट फीलिंग की बात करते हैं हम, तो करंट फीलिंग में डोर टू वैल्यू कार्ड दिखा रहा है कि भाई अभी उनको आपकी वैल्यू हो गई है। जैसे ही आपने उनको एटीट्यूड देना स्टार्ट किया है, उनको आपकी वैल्यू हो गई है कि ये पर्सन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये पर्सन तो मेरी लाइफ में होना ही चाहिए। तो ऐसी वैल्यू उनको समझ में आने लगी है, उनको लगने लगा है कि ये ही है जो मुझे बहुत प्यार कर सकता है, मेरी केयर कर सकता है, मुझे रेस्पेक्ट दे सकता है, मेरे लिए बहुत ही लविंग है। ये कहते हैं ना कि एक पार्टनर से इंसान को हर तरह का प्यार चाहिए होता है, लाइक इमोशनली भी वो सपोर्ट करे, मेंटली सपोर्ट करे, प्यार करे, तो वो सारा सपोर्ट उनको आपकी तरफ से मिल रहा है यहाँ पर। वो अपनी ज़िंदगी में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं चाहे कैसे भी अप डाउन देखूंगा, कुछ भी करूंगा, मैं चाहे कहीं और रह लूं, बट मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी निकालना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जर्नी कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि हो सकता है कहीं और शिफ्ट होने हो रहे हो आपके पार्टनर, हो सकता है उनका कोई ट्रांसफ़र हो रहा हो या कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको भूल नहीं पाएंगे, वो आपको याद रखेंगे। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, हाँ मैं तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। 22 नंबर यह कहता है कि थोड़ा सा उन्हें टाइम चाहिए। हो सकता है कोई दो सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं अभी, जैसा मैंने पहले ही बोला कि दो सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो फंस गए हैं और वो सेटल डाउन नहीं कर पा रहे हैं कि अभी कैसे मैं ठीक करूँ चीज़ों को। तो यहाँ पर वो स्थिति दिख रही है कि भाई थोड़ा टाइम मुझे दो, मैं अपनी सब चीज़ें ठीक कर लूँगा, पहले मैं अपना ठीक कर लेता हूँ सब, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ भी सभी चीज़ों को ठीक कर लूँगा। बाकी सब बहुत अच्छा है, वो आपको दिल से बहुत चाहते हैं, वो आपको, वो जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टनर की करंट फीलिंग, कर्क राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। क्वेस्ट, ग्रोथ, यस फाइनली वो आपके साथ ग्रोथ ही चाहते हैं। फाइनली वो यही चाहते हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो, मेरे साथ ही आगे बढ़ो, मेरी लाइफ तुम्हारे साथ हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बीमार हो, जिनकी तबीयत ठीक नहीं हो, हो सकता है उनकी मॉम हो सकती है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो थोड़ा सा अभी टेंस है, वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए, और वो थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं इस कारण। तो आपको बहुत ज़्यादा अभी उनको सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि आपको उनसे बात नहीं करना या उनको मतलब कि बार बार सुनाना, गलत बात बोलना, ये सब नहीं करके, और आपको उनको अभी सपोर्ट करना चाहिए। उनको अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको ऐसी कोई बात ना बोले जिनसे उनको हर्ट हो। वो जानते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा सा, मैंने कहा ना डबल से कोई दो सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो फंसे हो, तो वो उनसे जैसे ही बाहर निकलेंगे वो आपको समझाएंगे, उनके दिल की बात बताएंगे और चीज़ें फिर से ठीक होंगी। सॉरी, देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम क्या रहने वाला है। कर्क राशि के पार्टनर का अगला कदम साइलेंस। आपके पार्टनर बहुत पेशेंस वाले, ओह गॉड, मैंने पेशेंस का नाम लिया और पेशेंस कार्ड यहाँ पर था। बहुत पेशेंस है उनमें, बहुत इमोशनल है, बहुत लविंग है, वो अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा बर्डन, कोई ऐसी जिम्मेदारी उनके आगे आ गई है कि वो अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, वो चुप करके बैठे हैं कि जब भी मुझे समझ आएगा मैं उसको बताऊंगा कि भाई मेरी सिचुएशन ऐसी है। हो सकता है अभी वो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी परेशान हो, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी ना हो, उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली में भी कोई ऐसे इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी वो खुद को सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा इन आउट सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में रह रही है। आप जैसे ही थोड़ा सा कुछ कहते हैं और वो कहते हैं कि चलो जाने दो यार, मेरे को नई बात करनी है, तो हो सकता है ऐसे मूड स्विंग्स उनके अभी हो और अभी वो नहीं बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में ऐसे रिश्ते नहीं टूटे जाते हैं,
थोड़ी उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। वो आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारी तरफ ही आने वाला हूँ, तुम क्यों इतना सोच रही हो या सोच रहे हो, मैं तुम्हें ही अपना पार्टनर मानता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे इस सिचुएशन को थोड़ा सा पेशेंसली हैंडल करने दो, मुझे तुम्हारे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कर्क राशि, ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, होपफुली आपको समझ आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।